नमस्कार दोस्तों, आप सभी के अनुरोध पर हमने एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा जी द्वारा दिया गया आज के राशिफल को टेक्स्ट में शुरू किया है, जिसमें हम चर्चा करेंगे आज के पंचांग की, आज के राशिफल की और उपाय की। आज क्या उपाय करें जिससे आज के दिन को और भी बेहतर बनाया जा सके। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो उसे लाइक एंड शेयर करना न भूलें। अगर आप डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा जी से मिलना चाहते हैं या कोई अन्य ज्योतिषीय सलाह लेना चाहते हैं तो वेबसाइट www.premastrologer.com पर विजिट करें। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज के पंचांग से। आज का पंचांग 20 मार्च 2021। तिथि शुक्ल पक्ष सप्तमी क्षय, भद्रा नहीं, गंडमूल नहीं, पंचक नहीं। यमगंडम काल दोपहर 1:58 से दोपहर 3:29 तक। राहु काल दिल्ली में सुबह 9:26 से सुबह 10:57 तक। राहु काल मुंबई में सुबह 9:46 से सुबह 11:16 तक। आज का शुभ समय सुबह 8:00 से सुबह 9:30 तक। दोपहर 3:35 से शाम 5:05 तक। शाम 6:37 से रात 8:05 तक। आज जिन भी दर्शकों का जन्मदिन है उन सभी को एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा जी और उनकी टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। अब बात करते हैं 20 मार्च 2021 के राशि फल की। मेष, प्रोफेशनल क्षेत्र में सीनियर्स की नजरों में आप अपनी जगह बना सकते हैं। किसी खास मुद्दे पर परिवार का साथ मिलना कठिन लग रहा है। ट्रिप पर किसी को साथ ले जाना आपके लिए समस्या होने वाली है। आप में से कुछ लोग नया घर खरीद सकते हैं। पढ़ाई के क्षेत्र में आज का दिन आपके लिए शुभ रहने वाला है। अच्छी सेहत के लिए खान पान का ध्यान रखना जरूरी होगा। लोन चुकता करके आर्थिक स्थिति को मैनेज रखना आपकी प्राथमिकता रहेगी। शुभ अंक 3, शुभ रंग मजेंटा। उपाय, सिल्वर क्यूब अपने पास रखें। वृषभ, 9 की तलाश करने वालों को सफलता मिलेगी। अच्छी सैलरी मिलने के संकेत हैं। आपको अपने सपने साकार करने में परिवार का भरपूर सहयोग मिलेगा। किसी खास जगह पर घूमने जाने की संभावना है। नए घर के मकसद से कोई नई जगह देखने जा सकते हैं। किसी रिश्तेदार या दोस्त से मिलने जाने का प्लान टालना आपको मायूस करेगा। सेहत संतोषजनक रहेगी। कई स्रोतों से आमदनी होने की वजह से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। शुभ अंक 15, शुभ रंग पीच। उपाय, 7 पीली मिठाई के पीस, 7 लौंग, 7 इलायची गणेश जी के मंदिर में चढ़ाएं या जिस देवी देवता की आप आराधना करते हैं उनकी पूजा करके उनके चरणों में चढ़ाएं। मिथुन, आपकी क्षमता आपको प्रोफेशनल स्तर पर अच्छा ब्रेक दिलाने वाली है। किसी रोचक मेहमान के आने से रोमांचक समय बिता सकते हैं। छुट्टी पर जाना रोचक होगा लेकिन रिजर्वेशन मिलने में कठिनाई संभव है। अच्छी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आवश्यक प्रयास कर सकते हैं। सामाजिक क्षेत्र में कोई बड़ा आयोजन करने के लिए बड़ों की सलाह जरूर लें। फिट रहना आपकी प्राथमिकता रहेगी।
आमदनी अच्छी रहने से खर्च को लेकर निश्चिंत रहने की जरूरत है। शुभ अंक 7, शुभ रंग गहरा पीला। उपाय: 4 रोटी 8 बिस्कुट दूध में डालकर किसी कुत्ते को दें। तर्क: प्रोफेशनल स्तर पर आपकी स्थिति मजबूत होने की संभावना है। आप में से कुछ लोग आज पारिवारिक समस्या में उलझे रह सकते हैं। आज कोई ट्रिप प्लान करने से पहले आप सतर्क रहें, ज्यादा ट्रैवल करना पड़ सकता है। घर या किसी संपत्ति से अपेक्षित रिटर्न मिलने के संकेत हैं। सामाजिक क्षेत्र में अब आपके द्वारा किए गए काम नजर आने वाले हैं। सेहत को लेकर ज्यादा जागरूक नजर आएंगे। जिम या स्पा का सहारा ले सकते हैं। पैसे के लेन देन को लेकर सतर्क रहें। आज समस्या होने के संकेत हैं। शुभ अंक 11 है। शुभ रंग पैरेट ग्रीन। उपाय: 2 अनार 2 लाल गुलाब मां लक्ष्मी को अर्पण करें। सिंह: गृहिणियां अपने घर को नया रूप देने में व्यस्त रहने वाली हैं। आप किसी ऑफिशियल ट्रिप को फैमिली ट्रिप का रूप दे सकते हैं। प्रॉपर्टी का बिजनेस करने वालों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। सर्विस सेक्टर में काम करने वालों के लिए आज कोई अच्छी खबर मिल सकती है। सेहत संतोषजनक रहेगी। बड़ी खरीदारी करते समय रेट को लेकर सतर्क रहें, ज्यादा दाम देना पड़ सकता है। प्रोफेशनल क्षेत्र में बिना किसी जानकारी के निर्णय पर पहुंचने का नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। शुभ अंक 8, शुभ रंग केसरिया। उपाय: 5 बेल पत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं और दूध और जल से जलाभिषेक करें। कन्या: किसी रोमांचक व्यक्ति के घर आने से दिन खुशनुमा रहेगा। यात्रा पर निकलने से पहले ढंग से तैयार रहें। परेशानी आने के संकेत हैं। बुक की हुई प्रॉपर्टी समय पूर्व मिल जाने की संभावना है। बीमार चल रहे लोगों की समस्या और बढ़ने के संकेत हैं। आमदनी के नजरिए से आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। मानसिक सेहत को देखकर योग या मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। प्रोफेशनल स्तर पर आपका आइडिया महत्वपूर्ण साबित होगा। शुभ अंक 18 है। शुभ रंग लाल। उपाय: ओम दूम दुर्गाय नमः का जाप करें, मां दुर्गा को 7 फूल चढ़ाएं। तुला: प्रोफेशनल और एकेडमिक स्तर पर आपका प्रदर्शन अपेक्षा से बढ़कर रहेगा। आपके द्वारा किए गए किसी काम में परिवार के बड़ों का संरक्षण मिल सकता है। छुट्टी के लिए दिया गया आवेदन स्वीकार कर लिए जाने की संभावना है। प्रॉपर्टी संबंधी निर्णय लेते समय जल्दबाजी से बचें। आज नुकसान के संकेत हैं। पढ़ाई में कड़ी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। आत्मनियंत्रण से फिट रहने का सपना पूरा हो सकता है। बचत को लेकर सतर्कता जरूरी है। शुभ अंक 11 है। शुभ रंग पीला। उपाय: ओम नमः श्री शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। कच्ची या पकी हुई काली दाल किसी गरीब को दें। वृश्चिक: आप में से कुछ लोग विदेश यात्रा के लिए जा सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। पढ़ाई के क्षेत्र में दिन आपके अनुकूल रहने वाला है।
सेहत के लिए कुछ कारगर कदम उठाए जाने के संकेत हैं, सही जगह पर निवेश करने में सफल रहने के संकेत हैं। प्रोफेशनल क्षेत्र में आप अपनी अपेक्षा पर खरे उतर सकते हैं। किसी पारिवारिक मसले को लेकर भावुक होने की नौबत आ सकती है। शुभ अंक 5, शुभ रंग नारंगी। उपाय, यथाशक्ति हरी दाल व काली दाल किसी जरूरतमंद या मंदिर में दान दें। धन, परिवार के साथ विंडो शॉपिंग का आप मजा ले सकते हैं। लंबे इंतजार के बाद अब रोमांचक और यादगार यात्रा के लिए निकलना संभव होगा। रियल एस्टेट में काम करने वाले आज किसी डील को पूरा करने में सफल रहेंगे। पढ़ाई के मामले में आज का दिन संतोषजनक रहेगा। बीमार चल रहे लोगों के लिए घरेलू नुस्खा कारगर साबित हो सकता है। कहीं रुका हुआ पैसा जल्द ही मिल जाने की उम्मीद है। प्रोफेशनल स्तर पर आपकी मेहनत का फल आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। शुभ अंक 3, शुभ रंग मजेंटा। उपाय, दो किस्म की सब्जियां व दो किस्म की दाल, मसूर की दाल न हो, किसी मजदूर को या धर्म स्थल में दें। मकर, कोई पार्टी या समारोह आपको कुछ खास इंसानों से मिलने का मौका दे सकता है। रहने के लिए अनुकूल घर की तलाश पूरी होती नजर आ रही है। पढ़ाई के क्षेत्र में नया मुकाम मिलने के संकेत हैं। लंबे समय के बाद किसी शारीरिक समस्या से छुटकारा मिल जाने के संकेत हैं। खर्च में कटौती करना आपके लिए आसान नहीं होगा। परिवार के किसी नौजवान को रास्ते पर लाना आपके लिए चुनौती रहेगी। शुभ अंक 22, शुभ रंग डार्क स्लेट ग्रे। उपाय, ओम नमो श्री महेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। शिवलिंग पर 4 पैकेट दूध के चढ़ाएं। कुंभ, पार्टी या समारोह का आयोजन कर रहे लोगों को मदद की अपेक्षा रहेगी। रोमांचक यात्रा की संभावना बन रही है। नया घर खरीदने या रेनोवेशन का काम कराए जाने के संकेत हैं। पढ़ाई के क्षेत्र में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। सेहत को लेकर चल रही समस्या दूर होती हुई नजर आ रही है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहने के बावजूद आमदनी बढ़ाने का प्रयास जारी रहेगा। काम में लापरवाही के कारण सीनियर्स का गुस्सा आपको झेलना पड़ सकता है। शुभ अंक 2, शुभ रंग बैंगनी। उपाय, एक कांच का बाउल लें, उसमें 40% पानी भरें और लाल गुलाब की पत्तियां डालें और इसे घर की उत्तर दिशा में रखें। ध्यान रखें, पत्तियां ऐसे डालें कि उसमें से पानी की रिफ्लेक्शन दिखे। मीन, परिवार के साथ घूमने जाना बेहद रोमांचक साबित होगा। आप में से कुछ लोग वेकेशन प्लान कर सकते हैं। प्रॉपर्टी का अच्छा दाम मिलने के संकेत हैं। खूब सारी शॉपिंग का मौका मिलने वाला है। कुछ लोगों के लिए सेहत प्राथमिकता में रहेगी। इसका सकारात्मक असर आप महसूस करेंगे। आमदनी के नए जरिए से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपकी सलाह को उन लोगों से मान्यता मिल सकती है जो आपके लिए खास हैं। शुभ अंक 7, शुभ रंग गहरा पीला। उपाय, नंगे पांव मंदिर जाना कल्याणकारी रहेगा। आप गाड़ी या किसी व्हीकल से भी जा सकते हैं, पर नंगे पांव।